से दारा सिंह चौहान को टिकट दे दिया, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 60 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से सारे उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सर्वमान्य है। आपके पिताजी यहां से प्रबल उम्मीदवार थे, दावेदारी अच्छे से कर रहे थे, पूर्व विधायक भी हैं, तो चुनाव भी लड़े थे अच्छे से। देखिए, मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी का पूरक सुधाकर सिंह और सुधाकर सिंह का पूरक समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के स्थापना मेंबर हैं सुधाकर सिंह और हमेशा चाहे दल ने उनको चाहे दल में समाजवादी पार्टी ने उनको जितनी बार निकाला भी दो बार, लेकिन न कभी दल बदल के गए न कभी दल को छोड़ा है। आज की इस विषम परिस्थिति में भी भाजपा के सरकार में 5 साल लड़ने का अगर काम मऊ जनपद में किसी नेता ने किया है तो सुधाकर सिंह जी ने किया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर 12 दिन जेल की यात्रा की तो सुधाकर सिंह जी ने किया। मऊ जनपद में समाजवादी पार्टी का केवल एक ही ब्लॉक प्रमुख निकला, निर्विरोध हुआ प्रदेश में, तो घोषित है डॉक्टर रामकृष्ण यादव जी हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह जी का संबंध ये टिकट टुकट से परे है और मैं आप लोगों को आश्वस्त दिलाता हूँ कि हम लोग माननीय नेता अखिलेश यादव जी के साथ हैं। इसके पहले जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था जी, उसमें भी सपा ने आपके पिता के साथ जो है धोखेबाजी कर दी, उनको सिंबल दे करके, फिर उन पर सिग्नेचर नहीं हुआ, तमाम तरह की चीज़ें दे करके उनको जो डार्क में रख दिया और 1700 वोट से चुनाव हार गए, तो क्या इस बार उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए था, क्यों ऐसा किए, क्या वजह रहा? घोसी की आवाम यह चाहती थी कि घर का लाल सुधाकर इस बार चुनाव लड़े। सारे घोसी के सारे लोगों की यह विश्वास था कि समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह को टिकट देगी और वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आपने उपचुनाव में देखा कि जबरदस्ती निर्दल 1200 वोटों से हराया गया और कहीं ना कहीं जो उस समय के शासन प्रशासन की मंशा नहीं थी तब वो हारे हैं, तो चुनाव तो वो उपचुनाव ही जीत गए थे। तो कैसे फिर ऐसे दल बदलू भागते हुए आएंगे, फिर सपा टिकट दे देगी और यहाँ का स्थानीय जो मेहनत करते रहेंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो कैसे इस विधानसभा का जिले का कैसे विकास होगा, कैसे जब दल बदलू भागते रहेंगे लूटते रहेंगे? जनता के मन में जो आक्रोश है, लोगों के मन में जो आक्रोश है, हम लोग अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत कराएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं।